जनपद मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता संगठन द्वारा खानपान की सामग्री लोगों को वितरित कराई जा रही है। सभी संगठन के पदाधिकारी का ये कहना है कि सभी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और हमारा प्रयास ये है कि जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुँचाया जा सके। एंटी कोरोना टास्क फोर्स का गठन सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नोमान जमाल ने किया है। ये टास्क फोर्स निरंतर 14 दिनों से लॉकडाउन में गरीब, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा पोलर इत्यादि लोगों को राशन की किटें पहुंचाती है। जरूरतमंदों को मुरादाबाद से लाकर दवाइयां लाकर वितरित कर रही है। आवश्यकता अनुसार वो समय समय पर एंटी कोरोना टास्क फोर्स नगर बिलारी में वो सभी काम करने में पीछे नहीं हटी जिसकी बिलारी की जनता को आवश्यकता पड़ी। एंटी कोरोना टास्क फोर्स के कैप्टन नोमान जमाल ने बताया कि वो अपनी टास्क फोर्स के साथ निरंतर जानवरों के लिए भी तंदूर की व्यवस्था कर रोटियां लगवा रहे हैं और समय समय पर जानवरों को पूरे नगर में रोटियों का वितरण कराते रहे हैं। बताया कि अब तक उनकी ये टास्क फोर्स 400 परिवारों को राशन किट पहुँचाकर मदद कर चुका है। इस टास्क फोर्स में शान सैफी, कमर आलम, शीटू उर्फ तनवीर, शाहिद मलिक, आरिफ जमाल, जरीफ अंसारी, मोहम्मद उफक, बबलू मसूदी, इरशाद मलिक, हम्माद सैफी, राजू गुप्ता, जतिन गुप्ता, अंकित चौधरी, सकलैन रजा, तस्लीम अजहरी, निजामुद्दीन औलिया, अभिनव चौधरी, रेहान सिद्दीकी, मरगूम पाशा कैडेट्स हैं व टास्क फोर्स के कैप्टन नुमान जमाल हैं। देश में कोरोना नाम की महामारी ने हम लोगों को अपने अपने घरों में बंदी बनाया हुआ है। इसी क्रम में पूरा देश परेशान है और जो गरीब तबका है वो नहायत ही परेशान है रोजी रोटी के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए। ऐसे में तमाम तरह के समाजसेवी जो है वो मैदान में हैं और सभी लोग जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमने बिलारी में ख़ासतौर से एंटी कोरोना टास्क फोर्स का गठन किया है और लॉकडाउन के चलते ही ये संस्था लगातार काम कर रही है। इसमें करीब 20 से 22 साथी हम लोगों ने ऐड किए हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता संगठन संस्थान का उपक्रम है और बहुत बेहतर तरीके से एंटी कोरोना टास्क फोर्स काम कर रही है लॉकडाउन के बाद से। और इसका पूरा काम करने का जो तरीका है वो ये है कि एक तो राशन किटें बांटते हैं हम लोग घर घर जा करके, सर्वे कर करके कौन ज़रूरतमंद लोग हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन पहुँचाते हैं, इमरजेंसी टास्क पूरा करते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा मान के चलिए कि एंटी कोरोना टास्क फोर्स एक कॉल सेंटर है जहाँ पर सिर्फ बात नहीं होती बल्कि समाधान किया जाता है। इसी क्रम में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और ये कसम खाई हम लोगों ने शपथ ली है कि एंटी कोरोना टास्क फोर्स के सभी सदस्य लॉकडाउन तक काम करते रहेंगे, चाहे लॉकडाउन जून तक क्यों न जाए। बहुत सारे समाजसेवी मैदान में हैं और हम चाहते हैं कि आप कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने घरों में रहें। हम लोग बाहर हैं, लोग बाहर हैं, मीडिया बाहर है, पुलिस बाहर है, नर्सिंग स्टाफ बाहर है, आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस लायक हैं कि लोगों की मदद कर सकते हैं वो अपना ज़कात फितरा या इसके अलावा जो भी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई भाई मदद करना चाहें वो यही सबसे बढ़िया समय है। ऐसे लोगों के साथ में मदद कीजिए जो लोग काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो ज़रूरतमंद है।